जब डॉक्टर अंबेडकर इतने बड़े वकील थे तो उन्होंने भगत सिंह का केस क्यों नहीं लड़ा? बाबा साहेब का विरोध करने वाले लोग अक्सर ये सवाल पूछते हैं और कुछ लोग इस सवाल के जरिए दुष्प्रचार करने की कोशिश भी करते हैं। आज शहीदी दिवस है, यानी आज ही के दिन 23 मार्च 1931 को सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। इसलिए आइए जानते हैं इस आरोप में कितनी सच्चाई है। डॉक्टर अम्बेडकर ने भगत सिंह का केस क्यों नहीं लड़ा? शहीद भगत सिंह और उनके साथियों को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। ये वो दौर था जब बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जैसे अछूत जाति के व्यक्ति को क्लास के भीतर बैठकर पढ़ने का भी अधिकार नहीं था। बाबा साहेब उस समय अछूत जाति के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे, लेकिन 1917 में उन्हें बड़ौदा में नौकरी के दौरान रहने के लिए किराए का मकान तक नहीं मिला था। उन्होंने जब सिडनम कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया तो कथित ऊंची जाति के बच्चे उनसे पढ़ना नहीं चाहते थे, और इसी बीच उन्होंने अपना वकालत का पेशा शुरू किया तो कोई अपना केस उन्हें देता ही नहीं था। 1923 में डॉक्टर अंबेडकर ने बंबई बार में लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था। उन्हें लाइसेंस तो मिल गया क्योंकि वो लंदन के ग्रेज इन से वकालत की पढ़ाई करके आए थे, लेकिन उन्हें कोई केस ही नहीं मिलता था क्योंकि लोग उन्हें अछूत ही समझ रहे थे। उन्हें कुछ संपर्कों के जरिए कुछ केस मिलते थे, लेकिन ज्यादा केस ना मिलने के कारण उन्होंने जल्द ही वकालत का पेशा छोड़ दिया और वो घर चलाने के लिए प्रोफेसर की नौकरी करने लगे थे। इसलिए 1931 के वक्त जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई, तब डॉक्टर अंबेडकर वकालत के पेशे में पूरी तरह से एक्टिव ही नहीं थे। डॉक्टर अंबेडकर मुंबई में रहते थे और भगत सिंह लाहौर में। यहाँ दूसरी बात यह भी ध्यान देने वाली बात है कि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर प्रमुख रूप से मुंबई में रहा करते थे, जबकि भगत सिंह लाहौर और आसपास के इलाके में सक्रिय थे। मुंबई से लाहौर की दूरी 1391 किलोमीटर की है और इन दोनों ही महापुरुषों के बीच सीधा संवाद नहीं था, और ये दोनों डायरेक्ट एक दूसरे के संपर्क में भी नहीं थे। दोनों ही अपने अपने एरिया में सक्रिय थे, लेकिन दोनों आपस में जुड़े हुए नहीं थे। भगत सिंह ने किसी वकील को रखने से मना कर दिया था। सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंककर विरोध जताया था और स्वेच्छा से गिरफ्तारी दे दी थी। इसके बाद सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त पर पैनल कोर्ट में मुकदमा चलाया गया था। मुकदमे के दौरान सरदार भगत सिंह ने अपनी पैरवी खुद करने की मांग की थी, जिसे मंजूर कर लिया गया था, लेकिन कोर्ट में की जाने वाली कागजी कार्रवाई के लिए सरदार भगत सिंह ने उस समय के प्रसिद्ध अधिवक्ता आसिफ अली की सहायता ली थी। आसिफ अली ने मुकदमे में बटुकेश्वर दत्त का पक्ष कोर्ट में रखा था, लेकिन भगत सिंह ने खुद अपनी पैरवी की थी। उस समय आसिफ अली की गिनती देश के वरिष्ठ अधिवक्ताओं में होती थी, वो सीनियर एडवोकेट माने जाते थे। मुकदमे की पैरवी के लिए आसिफ अली कई बार भगत सिंह से जेल में भी मिले। आसिफ अली की पत्नी अरुणा आसिफ अली भी क्रांतिकारियों के मुकदमे में उनकी मदद किया करती थी। किसी ने डॉक्टर अंबेडकर को भगत सिंह का केस नहीं दिया। डॉक्टर अंबेडकर को किसी ने भगत सिंह का केस नहीं दिया था, इसलिए वो बिना केस दिए कैसे उनकी पैरवी कर सकते थे। भगत सिंह ने खुद अपनी पैरवी की थी और वकील रखने से मना कर दिया था, जिसमें सीनियर एडवोकेट आसिफ अली ने उनकी कुछ मदद की थी, जिसका मतलब ये है कि डॉक्टर अंबेडकर इस मामले में किसी भी तरह से कोर्ट में पेश नहीं हो सकते थे। लेकिन फिर भी उन पर इस तरह का आरोप लगा दिया जाता है कि इतने बड़े वकील होने के बावजूद उन्होंने भगत सिंह का केस नहीं लड़ा। अपने अपने मोर्चे पर लड़ रहे थे डॉक्टर अंबेडकर और भगत सिंह। यहाँ एक बात और समझने की है कि डॉक्टर अंबेडकर और भगत सिंह दोनों ही महापुरुषों ने हमारे देश को बेहतर बनाने के लिए अपने अपने ढंग से अलग अलग मोर्चों पर लड़ाई लड़ी। भगत सिंह जहाँ अंग्रेजों से मुक्ति पाने के लिए क्रांति का सहारा ले रहे थे, तो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर भारत में जातिवाद के कारण गुलामी का दंश झेल रहे करोड़ों अछूतों के लिए मुक्ति की लड़ाई लड़ रहे थे। साउथ बोरो कमेटी, साइमन कमीशन, गोलमेज सम्मेलन, महाड सत्याग्रह, कालाराम मंदिर, ये तमाम आंदोलन ऐसे थे जो इसी दौरान शुरू हुए थे और अछूतों की मुक्ति के लिए पूरी तरह से बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर उस समय तक आंदोलित हो चुके थे और वो उस समय तक वकालत नहीं कर रहे थे। भगत सिंह के प्रति सम्मान रखते थे डॉक्टर अंबेडकर। अपने पाक्षिक अखबार जनता में 13 अप्रैल 1931 को लिखे संपादकीय में डॉक्टर अंबेडकर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी को बलिदान के रूप में रेखांकित करते हैं और अपने संपादकीय को तीन बलि शीर्षक देते हैं। इस पूरे संपादकीय का निष्कर्ष ये है कि तीनों व्यक्तित्व ब्रिटेन की आंतरिक राजनीति के शिकार बने थे। इसी कारण से वो कहते हैं कि ये न्याय नहीं है बल्कि अन्याय है। वो लिखते हैं, अगर सरकार को ये उम्मीद हो कि इस घटना से अंग्रेजी सरकार बिल्कुल न्यायप्रिय है या न्यायपालिका के आदेश पर हुबहू अमल करती है, ऐसी समझदारी लोगों के बीच मजबूत होगी और लोग उसका समर्थन करेंगे, तो ये सरकार की नादानी है, क्योंकि ये बलिदान ब्रिटिश न्याय देवता की शोहरत को अधिक धवल और पारदर्शी बनाने के इरादे से किया गया है। इस बात पर किसी को भी यकीन नहीं है।
खुद सरकार कोई समझदारी के आधार पर अपने आप को संतुष्ट नहीं कर सकती, फिर बाकियों को भी इसी न्यायप्रियता के आवरण में वह किस तरह से संतुष्ट कर सकती है। न्याय देवता की भक्ति के तौर पर नहीं बल्कि विलायत के कंजर्वेटिव राजनीतिक रूढ़िवादी पार्टी और जनमत के डर से इस बलिदान को अंजाम दिया गया है। इस बात को सरकार के साथ दुनिया भी जानती है। भगत सिंह के साहस को नमन। संपादकीय की शुरुआत में डॉक्टर अम्बेडकर उन आरोपों का जिक्र करते हैं जिनके तहत इन लोगों को फांसी दी गई थी। फिर वे इन तीनों की बहादुरी की चर्चा करते हुए कहते हैं, फांसी की जगह गोली से उड़ा देने की भगत सिंह की अंतिम इच्छा भी पूरी नहीं की गई। वो लिखते हैं, हमारी जान बख्श दें ऐसी दया की अपील इन तीनों में से किसी ने भी नहीं की। हाँ, फांसी की सूली पर चढ़ाने के बजाय हमें गोलियों से उड़ा दिया जाए, ऐसी इच्छा भगत सिंह ने प्रकट की थी। ऐसी खबरें जरूर आई हैं, मगर उनकी आखिरी इच्छा का भी सम्मान नहीं किया गया। भगत सिंह की फांसी का विरोध किया। इस संपादकीय में विस्तार से डॉक्टर अम्बेडकर भगत सिंह की फांसी के संदर्भ में भारत और ब्रिटेन में हुई खुली और गुप्त राजनीति की चर्चा करते हैं और इसमें गांधी और उस समय के वायसराय लॉर्ड इरविन की भूमिकाओं पर बात करते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर की राय में गांधी और इरविन भगत सिंह की फांसी को आजीवन कारावास में बदलने के हिमायती थे। इरविन से गांधी जी ने ये वादा भी लिया था, लेकिन ब्रिटेन की आंतरिक राजनीति और ब्रिटेन की जनता को खुश करने के लिए इन तीनों को फांसी दे दी गई। वे अपने संपादकीय के अंत में लिखते हैं, लब्बो लुआब यही है कि जनमत की परवाह किए बगैर गांधी इरविन समझौते का क्या होगा, इसकी चिंता किए बिना विलायत के रूढ़िवादियों के गुस्से का शिकार होने से अपने आप को बचाने के लिए भगत सिंह आदि की सब ने बलि चढ़ाई है। ये बात अब छिप नहीं सकेगी, ये बात सरकार को पक्के तौर पर मान लेनी चाहिए। यानी बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर साफ साफ शब्दों में शहीद आजम भगत सिंह की फांसी का विरोध करते हैं और वो यहाँ तक कह देते हैं कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की बलि चढ़ा दी गई है। इसलिए ये कहना कि डॉक्टर अम्बेडकर भगत सिंह और उनके साथियों की शहादत पर चुप रहे बिल्कुल भी उचित नहीं है। उन्होंने तो बाकायदा अंग्रेजी सरकार को इसके लिए कोसा और उस पर गंभीर सवाल उठाए। भगत सिंह का केस ना लड़ने के पीछे हम आपको वाजिब कारण बता चुके हैं, इसलिए ये कहना पूरी तरह से गलत है कि डॉक्टर अंबेडकर ने जानबूझकर भगत सिंह का केस नहीं लड़ा। अब की बार अगर कोई आपसे ऐसे सवाल करे तो उन्हें इस वीडियो का लिंक भेज दीजिए। हम अपने शहीदों को नमन करते हैं, उनकी शहादत को हम याद करते हैं। आप उनकी शहादत को कैसे याद करते हैं और आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर लिखें। वीडियो को शेयर करें ताकि बाकी लोगों के भी भ्रम दूर हो सकें। आपसे अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है SB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें, टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।